मन दोस्त प्रियंका आप सभी लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम वायरल सच। बिल्कुल एक ऐसी खबर, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम जिक्र करते हैं झूठी खबरों की। बिल्कुल आपको ये लाइन थोड़ी सुनकर हैरानी होगी लेकिन बिल्कुल सच है। हम इस प्रोग्राम में उन खबर पर जिक्र करते हैं, उन खबरों के बारे में बताते हैं जो खबर सोशल मीडिया पर हमेशा से चर्चाओं में रहती है, ज़्यादातर खबरों में रहती है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या जिस तरीके से उस खबर को पेश किया गया है वो सही है, क्या सही ढंग से उसे पेश किया गया है। बिल्कुल, और आज मैं आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद ही खूबसूरत हीरोइन अक्षरा सिंह के साथ जुड़ा है। एक अक्षरा सिंह एक ऐसी अभिनेत्री जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सफल अभिनेत्री और साथ में अब तो सिंगर भी मानी जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन इनके जन्मदिन के मौके पर किसी ने भी, किसी भोजपुरी स्टार ने इन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी है, ऐसी खबरें आई हैं। और खासकर भोजपुरी के तीन बड़े स्टार पवन खेसारी और निरहुआ, इन तीनों ने हमारी इंडस्ट्री की सुपर हीरोइन कही जाने वाली अक्षरा सिंह को जन्मदिन की बधाई नहीं दी और इसके पीछे की वजह भी बताई है उन्होंने। वजह क्या है और क्या वो वजह सही है, क्या उस खबर को सही ढंग से पेश किया गया है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए और बताते हैं आपको इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई। भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद ही ज्यादा खूबसूरत, टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली हीरोइन अक्षरा सिंह का 30 अगस्त यानी कि 30 अगस्त को उनका जन्मदिन काफी धूमधाम के तरीके से उनके घर पर मनाया गया। लेकिन इसी के साथ अगर जो बात करें सोशल मीडिया की, तो बहुत ऐसे कम स्टार थे जिन्होंने अक्षरा सिंह को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन सोशल मीडिया पर खबर ये भी तेजी से वायरल होने लगी थी कि अक्षरा सिंह को किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार ने बधाई नहीं दी है। खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन बड़े स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और जुबल स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिसकी वजह से अक्षरा सिंह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में है, ऐसी खबर फैली है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने उन्हें जन्मदिन की बधाई तो नहीं दी है, लेकिन हाँ, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबल स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइन अक्षरा सिंह को जन्मदिन की बधाई दी थी और साथ में उन्होंने कैप्शन बॉक्स में बहुत ही खूबसूरत लाइन भी लिखा था। और अगर बात करें दिनेश लाल यादव और अक्षरा सिंह की, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अक्षरा सिंह के साथ अपनी फिल्म की एक बहुत ही खूबसूरत फोटो को भी शेयर किया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल ये खबर सही है कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अक्षरा सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई नहीं दी, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से विश नहीं किया। बल्कि आपको जानकारी के लिए ये बता दें कि हाल ही में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपर स्टार, जी हाँ, अक्षरा सिंह के जन्मदिन को काफ़ी धूमधाम के साथ उनके घर पर उनके मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट किया गया और काफ़ी धूमधाम तरीके से पार्टी को भी बनाया गया और उस पार्टी में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई फेमस स्टार भी शामिल थे, जिसमें रितेश पांडे, अनारा गुप्ता, शिखा मिश्रा और बहुत सी ऐसे भी और भी हीरो हीरोइन और बहुत से ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने अक्षरा सिंह के इस जन्मदिन पार्टी में उनका हिस्सा बने और आज उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बनी हुई है। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम खबरें, ये आपके वो जानकारी जो आपके स्टार के साथ जुड़ी थी, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई थी और किस ढंग से इसे पेश किया गया था ये हमने आपको इस प्रोग्राम के जरिए बता दिया है और आप लोगों ने भी इस प्रोग्राम के जरिए पूरी तरीके से इस खबर के पीछे की सच्चाई से रूबरू हो चुके होंगे। और अगर जो आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमारे प्रोग्राम में नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए लिख कर बता सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल Lex9 न्यूज भोजप्रिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहे, ऐसे ही आप हमारे भोजप्रिया समाज, माटी और इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे। फिलहाल मैं प्रियंका राज लेती हूँ इजाजत, क्योंकि कल एक बार फिर से नई खबर नए अंदाज के साथ लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए Lex9 न्यूज भोजप्रिया। स्टार्ट योर करियर विद अस।